हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और एक गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कि देखिए अभी तक कुछ बच्चों का हमारे पास कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम पेपर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया, उनको पता ही नहीं है कि हमारा बैक का पेपर होने वाला है। तो अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपके कॉलेज में या आपका कलीग्स कोई है जिनका पेपर बैक है, तो उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाएँ कि आपका जो बैक का पेपर है उसका एग्ज़ाम हो रहा है ना। अगर एक भी बच्चे का आपने अगर हेल्प कर दिया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं वन बाई वन कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग यूटीडीज एग्जामिनेशन जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ये सभी एमटेक और एम फार्मा के जो बैक स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अब वो बैक स्टूडेंट नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन या साइबर फॉरेंसिक ब्रांचेस से आते हों। तो इस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी पहले बीटेक और डिप्लोमा के लिए कवर कर रखा है, वैसे ही है, बट कुछ कुछ डिफरेंट यहाँ पे है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो देखिए टाइम शेड्यूल है वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और पेपर का जो टाइमिंग है 11 AM to 2 PM, और ये ऑफलाइन मोड पेपर होगा आपका, ओपन बुक सिस्टम फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, एज पर शेड्यूल ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड ऑन द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 5 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। मीन्स अगर 11 बजे से पेपर है तो 10:55 पे आपका पेपर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपीयर हो जाएगा। अपनी ईमेल आईडी को ओपन करके रखें, बार बार रिफ्रेश करते रहें, आएगा। और यहाँ पे फिफ्थ जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, स्टूडेंट मस्ट एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आइदर थ्रू द सेम ईमेल आईडी, मतलब उसी ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर्ड होगा उसी से रिसीव करना है, ऑन विच दे हैव रिसीव्ड द पेपर ऑफ थ्रू द व्हाट्सअप या व्हाट्सअप के थ्रू। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट कैन अपियर इन द ऑल थ्योरेटिकल एग्जाम फ्रॉम देयर होम, मतलब आप इस एग्जाम को अपने घर से अपियर कर सकते हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फिल द ऑल एंट्रीज ऑन द फ्रंट पेज, मतलब फ्रंट पेज की जो भी एंट्रीज है वो कंपल्सरी है फिल करना, क्योंकि इससे पहले बीटेक वाले बच्चे या डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत मिस्टेक किए हैं फ्रंट पेज की, जबकि एंट्री हमने लाइन बाई लाइन सिखाया था कैसे फिल करना है, और अब बच्चे अब नहीं रहे, आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, ओनली द फ्रंट पेज विल बी प्रोवाइडेड by UTD's examination cell REPP भोपाल, मतलब जो फ्रंट पेज होगा सिर्फ वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी जो A4 साइज वाइट पेपर्स है वो आपको स्टूडेंट को खुद से अरेंज करना है। नेक्स्ट जो है ऑन द टॉप ऑफ A4 साइज, आपको A4 साइज के टॉप पे पहला पेज नंबर, दूसरा इनरोलमेंट नंबर, तीसरा सब्जेक्ट कोड, और ये बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं, ना बच्चे पेज नंबर लिखे हैं, ना इनरोलमेंट नंबर लिखे हैं, ना सब्जेक्ट कोड लिखे हैं। तो आप बी केयरफुल कि आप ये तीनों चीज़ मेंशन करेंगे टॉप पे, और काइंडली डाउनलोड एनी डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग ऐप जैसे एडोब स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट स्कैनर से आप एक सिंगल पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है मेड इन इंडिया है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज़ करें, और ये बेस्ट PDF कन्वर्टर ऐप है। और जब आप स्कैन करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, देन 1, 2, 3, 4 and 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओनली वन फाइल इन PDF फॉर्मेट इज अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट ऑफ इच सब्जेक्ट, मीन्स एक ही PDF फाइल आपको अलाउ किया जाएगा अपलोड करने के लिए। बच्चे यहाँ पे इतनी गलती किए हैं, बच्चों को हर वीडियो में हमने इन्फॉर्म किया कि आपको सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, फ्रंट पेज का एक PDF बनाया, फर्स्ट पेज का एक PDF बनाया, इस तरह से PDF बना के अपलोड कर रहे हैं, एक बार अपलोड करके दोबारा ऑप्शन है, जबकि मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने सिखाया है प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट पेज ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी द सेम
page provided from UTDS examination cell RGB viewport. Do not staple the answer sheet. Only one side writing is allowed. Means जो फ्रंट पेज होगा वो आपका फर्स्ट पेज होगा, देन आपका A4 साइज की जो वाइट प्लेन पेपर है उसको अटैच करना है सीरियल वाइज में. नेक्स्ट, द स्टूडेंट मस्ट इंटर द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ देयर आंसर शीट ऑन द फ्रंट पेज. मतलब जो भी फ्रंट पेज की एंट्री है आपको फिल करना है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इस एग्जाम स्कैन ऑल द पेजेस. मतलब जैसे एग्जाम आपका ओवर होता है और सभी पेजेस को एक सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है सीरियल वाइज, और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको 2/15 तक किसी भी कीमत में अपलोड करना ही करना है. बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए मोर देन सफिशियंट टाइम था अपलोड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो UTDS वाले कैंडिडेट हैं उनको 15 मिनट का टाइम मिलता है. आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 11 to 2 PM है. आपको 15 मिनट तक ही टाइम मिलेगा, मतलब 2:15 तक ही आपको टाइम मिलेगा अपलोड करने का. अगर आप नहीं कर पाते 2:15 तक, रिसीविंग आंसर शीट आफ्टर 2:15 PM विल नॉट बी इंटरटेन और एवेल्युएटेड. मतलब 2:15 के बाद अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका कॉपी एवेल्युएट नहीं किया जाएगा. तो बी केयरफुल, जो भी UTDS वाले कैंडिडेट हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि ये अवेयर हो जाए बच्चे. Kindly ensure that single PDF file should contain all pages of answer sheet of that particular paper. मतलब जो भी particular paper है उसका एक single PDF ensure कर लें आप. और ये भी ensure करें कि जो technically minimum 75 DPI, मतलब minimum 75 DPI की आपकी file होनी चाहिए और ये 50 MB से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. अगर एक्सीड करता है तो अपलोडिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 50 MB से ज़्यादा ना हो. और सबसे इम्पोर्टेंट, यूज ब्लू पेन इज कंपलसरी. अभी बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चन, जब ब्लू बोलो तो ब्लैक का क्वेश्चन करते हैं, जब ब्लैक बोलो तो ब्लू का क्वेश्चन करते हैं. तो आप याद रखें कि ब्लू पेन कंपलसरी है चाहे कुछ भी लिखना हो, ठीक है. If any answer sheet, any pages diagram, picture design of original book is found, it will be treated as UFM case. मतलब अगर आप किसी कहीं से कॉपी पेस्ट करके एकदम हूबहू आप प्रिंट आउट करवा के अगर डायग्राम चिपका देते हैं आंसर बुक में तो आपका UFM केस बनेगा. तो आपको ड्राइंग या डिज़ाइन जो भी है आपको खुद से बनाना है, कहीं से प्रिंट आउट करके आपको उस पर चिपकाना नहीं है. द स्टूडेंट मस्ट राइट द आंसर इन देयर ओन हैंड राइटिंग. ये भी कि आपको किसी और से नहीं लिखवाना, अपने हैंड राइटिंग में ही लिखना है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि ये जो हैंड राइटिंग है आपकी मैच की जाएगी जो आपका पहले से रिकॉर्ड RGPV में रखा हुआ है. आंसर रिलेटेड टू ड्राइंग डायमेंशन आर टू बी गिवन ऑन A4 साइज पेपर एज फ्री हैंड स्केच. मतलब ड्राइंग और डिजाइन से रिलेटेड जो है वो फ्री हैंड स्केच कर सकते हैं, और जो भी डिज़ाइन और ड्राइंग और ग्राफिक्स या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो पेपर होंगे उनके लिए भी टाइम 3 घंटे का ही रहेगा. द फ्रंट पेज विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 1 day बिफोर द शेड्यूल एग्जामिनेशन. मतलब जो भी फ्रंट पेज है एग्जाम स्टार्ट होने से 1 दिन पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा. तो ये था रिगार्डिंग UTDS एग्जामिनेशन. आप ध्यान रखें इंस्ट्रक्शंस को, आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं. तो आप ध्यान रखें इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि अगर टाइम खत्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चों के लिए है, और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बैक वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला. और अंतिम सेमेस्टर, याद रखें कि अंतिम सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं अंतिम वर्ष डिप्लोमा फार्मेसी को छोड़कर, जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष वाले हैं उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए एप्लीकेबल था. 20 और 21 सितंबर तक लाइन ओपन था, फॉर्म भरने की लाइन ओपन था. यदि किसी कारणवश बच्चा अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसके लिए ये सुविधा थी कि वो अपने कॉलेज में जाता, वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म भर के, और एक कॉलेज के नाम से DD बनता और वो DD कॉलेज के प्रिंसिपल RGPV के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल कर देते, और जो आवेदन पत्र होता उसको विश्वविद्यालय के पते पर भेज देते. तो बहुत सारे अंतिम सेमेस्टर वाले बच्चों का डाउट था, क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया इसको. जो थर्ड नोटिफिकेशन है वो आपके ऑनलाइन
पेपर सबमिशन के बारे में है। अब इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पत्रोपाधि प्रभाग की 16 सितंबर से प्रारंभ हुई ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित समस्त ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका आरजीपीवी एग्जाम इन पोर्टल के माध्यम से अपलोड की है या आगामी परीक्षा में अपलोड करेंगे, ऐसे समस्त विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के उपरांत अपने पास परीक्षा परिणाम आने तक सुरक्षित रूप से संधारित करेंगे। मतलब जो भी आप अपलोड कर रहे हैं स्कैन करके पीडीएफ, जो आपका हार्ड कॉपी है आपको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय के मांगे जाने पर उत्तर पुस्तिका दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। मीन्स जो आपका विश्वविद्यालय है वो कभी भी आपके आंसर शीट की डिमांड कर सकता है, तो जो आपका हार्ड कॉपी है उसको संभाल के रखें। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आप थोड़ा अगर लेट भी जाएंगे ना ऑफलाइन सेंटर पे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा किए हैं जब वो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए। तो ये था 3 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।